सबसे इम्पोर्टेंट दो खाली जगह है। मेरा होटल जो है एकदम पेट्रोल पंप के बगल में ही है। पेट्रोल पंप में बहुत ट्रैफिक है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको पैदल जाकर बुला के ले आता हूँ, और उसके बाद नहीं तो बाइक ले जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना, अभी वील मीट इन द रोड, तो विल सी यू आफ्टर सम टाइम। तो हमने हवा चेक करी यहाँ पे, हवा इज़ ऑल फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, एम इज़ टू रीच बातल टुडे। लोसर के आगे देर इज़ नो सिग्नल ऑफ इवन BSNL, और लोसर तक रोड इसी टाइप का मिलेगा। लोसर के आगे रोड्स आर नो रोड्स, इनफैक्ट लोसर के आगे टोटल कच्चा है आपका ग्रामफू तक। लोसर तक का ट्रायल रन है 60 किलोमीटर फ्रॉम एयर। ग्रामफू, स्पीति रिवर, काजा, तो हमें कहाँ जाना है, खिबर या ग्रामफू? लोसर, लोसर लेफ्ट, कुंजम टॉप लेफ्ट, खिबर। और यार ये तो कंफ्यूजन है, कोई यहाँ पर हेल्प करने वाला भी नहीं है। लेट्स गो स्ट्रेट एंड सी। तो अभी यहाँ से हमको की मोनेस्ट्री आएगा 12 किलोमीटर आगे, और उसके आगे खिबर आएगा। तो मैं बातल में रुकूंगा। बातल में चाचा चाची का वर्ल्ड फेमस ढाबा है, वहाँ पे वो टेंटेजेस भी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे रात का मैं स्टे अपना टेंट के अंदर करूँगा। ऑल्टीट्यूड इज़ 12,600 फीट। मैंने किसी से पूछा कि भाई लोसर के बाद रोड कैसा है, तो बोला रोड कौन सा रोड, कोई रोड ही नहीं भाई। राइट नाउ वी आर इन की, और सामने मेरे राइट साइड में पहाड़ के ऊपर इस की मोनेस्ट्री, वो है की मोनेस्ट्री। सामने की, और हमने लिया राइट टर्न। यहाँ पे भी काफ़ी होम स्टेज और गेस्ट रूम्स वगैरह हैं। तो अगर आप काजा में रुक रहे हैं और काजा में आपको मैकेनिक की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं आपको बता दूं कि काजा में देयर टोटल ऑफ 3 मैकेनिक्स, एक व्हीकल मैकेनिक भी है और 3 बाइक मैकेनिक्स हैं, जिसमें से एक रॉयल एनफील्ड का जो सर्विस सेंटर वो भी इंक्लूडेड है। वो कल डिफंक्ट था, मतलब ना उसके पास मैकेनिक थे और ना ही उसके पास स्पेयर पार्ट्स थे। तो रॉयल एनफील्ड ने आज यहाँ पर भरोसा तोड़ा है हमारा, क्योंकि मैं तो पहले से प्लान किया था कि रास्ते में रुक के रॉयल एनफील्ड के उसमें ये की एंट्री है, रॉयल एनफील्ड में रुक के अपना जो मेंटेनेंस कराऊंगा बाइक का, पर वहाँ पे कोई मैकेनिक नहीं था। 4-5 दिन के लिए मैकेनिक छुट्टी जा रखे थे सारे, गुड यार। दूसरा मैकेनिक एक पेट्रोल पम्प के आगे जा करके राइट साइड में आता है, जो काजा का पेट्रोल पम्प है, विद आश्रम भी है यहाँ पे, दिस ओल्ड एज होम इन की, गुड। और तीसरा मैकेनिक है मार्केट के अंदर, एक बहुत ही फेमस कैफ़े है, हिमालयन कैफ़े। हिमालयन कैफ़े के बगल में ही है मैकेनिक तीसरे वाला, और जो तीसरे वाला मैकेनिक है ही इज़ द मोस्ट एक्सपर्ट मैकेनिक अमंगस्ट ऑल। ये 3 मैकेनिक है वहाँ पे, पेट्रोल पंप है और एक बाइक पंचर की टायर पंचर की दुकान है, 4 व्हीलर्स का भी मैकेनिक है वहाँ पे। तो बेसिकली 4 मैकेनिक शॉप्स हैं वहाँ पे, और एक टायर पंचर की दुकान है, और एक पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप में बेसिकली जब सुबह का टाइम होता है, जब सारे ट्रेवलर्स निकल रहे होते हैं काजा से टूवर्ड्स मनाली और टूवर्ड्स शिमला, उस टाइम पे बहुत रश रहता है, तकरीबन 11 बजे के आसपास तक। और शाम के टाइम में जब ट्रेवलर्स पहुंच रहे होते हैं, मनाली वाले, ले वाले या शिमला वाले जब पहुंच रहे होते हैं शाम को, तो उस टाइम पे तकरीबन 4 बजे के आसपास काफ़ी रश रहता है। तो ये जो सामने एक रोड डाइवर्जन है, ये ऊपर जाता है कीपर और नीचे वाला जाता है काजा, और ये अगर आपको किबर को बाईपास करना है तो आप ये वाला रोड ले सकते हो, जिसमें मैं अभी जा रहा हूँ। रोड अच्छा लग रहा है मुझे, कंडीशन अच्छी है, और ये अभी नया नया रोड ही लग रहा है। तो देखते हैं कि काफ़ी गाड़ियाँ आ भी रही हैं इसमें, अब देखना ये कि अच्छा रोड कहाँ तक है। रोड अच्छा है, पर ट्रेन थोड़ी ख़तरनाक है, और हमको अपनी साइड नहीं छोड़नी भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ से फिर बैड पे शुरू, और यहाँ पे बैड ही रहने वाला है। पीछे सीधा,
5-6 किलोमीटर। तो दिस इज चीचम ब्रिज और आई थिंक दिस इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज। यहाँ पे इसका इनॉग्रेशन का लिख रखा है और यहाँ से नज़ारा बहुत ही ख़तरनाक। नीचे यहाँ पे हम एकदम बंजी जंपिंग का भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। ओह माय गॉड, इट्स टू डीप मैन, इट्स टाइप ब्रिज। इसको बनाने की सस्पेंशन ब्रिज खतरनाक, खतरनाक ब्रिज। हाय, और एक बार इस ब्रिज का हमको फोटो खींचना बहुत जरूरी है बिकॉज नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। तो यहाँ से हम कुछ फोटोग्राफी करेंगे और नज़ारा देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसका एक फोटो तो बनता है भाई। इस ब्रिज को बनाने एक बहुत बड़ी महाभारत रही, महाभारत रही है। वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज क्योंकि बोलते हैं है कि नहीं है, कुछ है ठंडी पानी को फील करता है। चलो आगे देखते हैं क्या मिलता है। Altitude check 14,300 feet. काफ़ी तेज़ ठंडी हवा यहाँ पर चल पड़ी है। वी आर एट 14,000 feet, तो 14,000 feet की ऊँचाई पर ऑब्वियसली ठंडी हवाई चलेगी, कुछ लू तो चलेगी नहीं। तो एक बार फिर से हम स्पीति नदी से मिलने वाले हैं। 29 किलोमीटर हमें जाना है, उसके बाद ब्रेक लेंगे एक। बाकी ये है अपनी स्पीति जो काफ़ी फैल चुकी है यहाँ पर, कभी चौड़ी हो रही है कभी पतली हो रही है और काफ़ी सुंदर लग रही है। गुड जोश मैन, इस टाइम इज साइकिलिंग, कम से कम 3 महीने की ट्रेनिंग चाहिए। हैट्स ऑफ। ऑल्टीट्यूड चेक 13,700 और इस वक्त हम कंप्लीटली कोल्ड डेजर्ट एरिया में घुस चुके हैं जहाँ पे कोई भी आपको वेजिटेशन नहीं दिखेगी। और कोई ट्रेवलर है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ हम ही हैं। जो पीछे आ रहे थे वो पीछे रह गए, जो आगे जा रहे थे वो आगे निकल गए, और हम ही हम हैं। तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। हार्दिक धन्यवाद, थैंक्स किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो अभी हम किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से ही बाहर आ रहे हैं। रोड थोड़ा फिर से बैड पैच आ गया, रोड इतना कुछ खास नहीं अभी, जितना अच्छा पैच था वो निकल गया। ये आप जिसकी बात कर रहा था वो फाइबर केबल बिछ रही है अभी यहाँ पे भी। आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे 3G 4G की फैसिलिटी भी आपको शायद मिल सकती है क्योंकि एयरटेल और जियो अपनी फाइबर केबल यहाँ पे बिछवा रहे हैं। काफ़ी वेजिटेशन कर रखी है लोगों ने, अभी क्या उगा रखा है ये मुझे पता नहीं चल रहा है, बट इट्स गुड कि यहाँ पे भी लोग मतलब पानी यहाँ पे पहुँच गए और किसी तरह यहाँ पे लोगों ने वेजिटेशन कर दिया है। और यहाँ पे हम आ चुके हैं छोटा सा एक और गाँव, काफ़ी छोटा, इतना छोटा भी नहीं है मतलब ठीक ठाक है, क्या तो जैसे ही है हंसा प्राइमरी हेल्थ सेंटर। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आपका आखिरी ATM इस काजा में, वहाँ पे एक कोऑपरेटिव बैंक, हिमाचल कोऑपरेटिव बैंक का ATM है और एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ATM है। फिर क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट नहीं चलता है तो आप ऑनलाइन पेमेंट ATM कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं, गूगल पे ATM कुछ यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। तो और ये होम स्टे यहाँ पे भी मिल जाएगा आपको, मतलब होम स्टे की तो कमी नहीं यार यहाँ पर, कुछ तो है। स्टेट बैंक भी है यहाँ पे, गुड स्टेट बैंक भी है यहाँ पर बंद है आज, बंद क्यों है पता नहीं। बट हंसा एक जगह जो कि 43 किलोमीटर अहेड ऑफ काजा, हंसा यहाँ पे आपको एक स्टेट बैंक भी मिल जाएगा। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप पैसे निकालने भूल गए वहाँ से, और अगर आपकी किस्मत अच्छी तो ये बैंक अगर खुला रहेगा तो आप चेकबुक से पैसे यहाँ से निकाल सकते हैं बिकॉज ATM तो यहाँ पर भी नहीं होगा। यहाँ पे बहुत सारी गाय,
एक ये पास्चर है जहाँ पे गाय चरती होगी और यहाँ पे तारे भी बांध रखी हैं, तो बहुत ही बड़े एरिया में बहुत सारी गाय और याक्स भी हैं यहाँ पे। तो ये वाली मैं आपको दिखाता हूँ, एक याक, बहुत ही खतरनाक बड़ी सी याक, ये है एक याक। रोड की कंडीशन कुछ आप देख रहे हैं ऐसी, कुछ अब बची नहीं है रोड, ठीक है चलेगा। फिर लोसर, यही है लोसर, यही है लोसर, सीधा है ना? हाँ। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से है करीब 5-6 किलोमीटर बस। रास्ता बहुत खराब है। और ये नीचे वाला रोड है? नीचे वाला रोड है जो? नहीं नहीं, वो नहीं जाना, रोड एक ही है, यही है रोड है आज। ओके थैंक यू। आगे कुछ मुझे दिख रहा है जो कि मुझे मॉरल सपोर्ट दे रहा है, एक अकेली बाइक जा रही है जिसमें आई थिंक दो लोग बैठ रखे हैं। एक अच्छा पैच आ गया भाई, ये तो ऐसा लग रहा है तो उस पैच में चलाने का जन्नत उड़ा गया है। गुड। वो वैगनर वाले अंकल जी ने डरा दिया था मैं कि बहुत खराब रोड है बेटा, आगे आगे बहुत खराब रोड है, पर ठीक है इतना खराब भी नहीं है। दिमाग है, सब दिमाग, इट इज ऑल मेंटल, दैट इज आई से इट इज ऑल मेंटल, इट इज अ मेंटल गेम। पर जहाँ तक आपकी दिमाग की मतलब कैपेसिटी है, जहाँ तक आपका दिमाग किसी चीज़ को ले सकता है वहाँ तक आप जा सकते हो, तो इसलिए मेंटली वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एंड वी आर अबाउट टू रीच लोसर। यहाँ पे कुछ ये जो आप ब्रीड देख रहे हैं, काऊ और याक का मिक्स ब्रीड है, जो काऊ गाय की तरह भी लग रहा है और याक की तरह भी लग रहा है, और ये है लोसर गांव। यहाँ पे काफी सारे होम स्टेज होटल्स हैं। व्हीकल्स आर नॉट अलाउड टू पास ऑन द ब्रिज, तो हैवी व्हीकल्स ट्रक तो क्या नहीं चल सकते हैं, और हल्की गाड़ी भी एक एट अ टाइम ही जाए। दिस इज ऑल्सो अ बेलीज ब्रिज जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। अब इस रेंज को क्या बोलते हैं ये मुझे पता नहीं है, मुझे पता करना पड़ेगा, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं पहाड़ जो आप देख रहे हैं, छोटे छोटे हिलॉक्स बन रखे हैं पहाड़ों के ऊपर, और मतलब एक बहुत ही मनमोहक नज़ारा है ये तो, वाह। और सामने बहुत ही बड़ा लग रहा है मेरे को लोसर प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोसर स्किमिट ना दोनों मेट्स कॉटेज कॉटेज रेस्ट हाउस लोसर सब डिवीजन लोसर और तारा होम स्टे लोसर। यहाँ पे लोसर में यू गॉट अ टावर, अब वो मोस्टली और तो कुछ चलता नहीं तो BSNL का टावर होगा, तो कनेक्टिविटी वाइज भी लोसर इज़ गुड। और लोसर गांव छोटा सा गांव पहाड़ों की छाँव में, और खेती यहाँ पे किसी चीज़ की खेती है वो पता नहीं, ट्रैक्टर सब चल रहे हैं यहाँ पे। और ये लोसर मार्केट टाइम 2:23 एक घंटा 2:23 हमें लगा लोसर मार्केट पहुँचने के लिए। भैया बातें कितना दूर है यहाँ से है? और टाइम कितना लगेगा? 1.5 घंटे पहुंच जाएंगे बादल। सरचू कैफे